नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और चलिए, मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा एक रेडमी का एक गो है, रेडमी गो मॉडल है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हुई है फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जा करके हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें आप देखेंगे नो सर्विस का एक मैसेज है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिम लगी हुई है फ्रेंड्स, पर फिर भी इसमें नो सर्विस लिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको सिम भी निकाल के दिखा दूँगा कि क्या एक्चुअल में इसकी सिम लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ये इसका नेटवर्क सेक्शन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेडमी का गो एक मॉडल है जो कि सीधा नो सर्विस लिखा आ रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस पे वीडियो हम बनाएंगे और आपको प्रॉपरली तरीके से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिकली वीडियो आपको आज लेकर के आ रहा हूँ, कोई भी थ्योरी बेस्ड नहीं बताऊंगा आज। प्रैक्टिकली वीडियो, प्रैक्टिकली तौर से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए, रेडमी गो का है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स अब इसको पे हम काम करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जिससे कैपेसिटर लगे होते हैं नेटवर्क सेक्शन में, वहाँ पे आपको मैं आपको बता दूँ, अभी टच करके दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, 1.1, 1.2, 2.8, ये सारे वोल्टेजेस को आपको फाइंड करना होता है, तभी जा करके आपका सेक्शन ओके होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, आपको वहाँ पे वोल्टेजेस को भी फाइंड करना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए, फ़ोन को हम ओपन करेंगे। ये वोल्टेजेस जो भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको वोल्टेजेस को फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फ़ोन को हम ओपन करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी सबसे पहले हम WTR को चेंज करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो आप WTR देख रहे हैं, मैंने आपको WTR अभी टच करके दिखाया है, इस WTR को फ्रेंड्स हम टच चेंज करेंगे, रिवॉल्व नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये सेक्शन काम करता है कि नहीं। तो फ़ोन को हम सिंपली तरीके से ओपन कर लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि फ़ोन को हम कैसे डिसेंबल करते हैं, तो सारी चीज़ें आप सुरक्षा, मतलब आपको सेफ्टी, जैसा कि हमने बताया था सिम भी आपको हम दिखाएंगे। तो वहाँ पे आप जियो का आपने सिम भी देखा कि जो कि लगा हुआ था फ़ोन के अंदर, ऐसा नहीं कि विदाउट सिम में नो सर्विस आ रहा था फ्रेंड्स। आपने देखा कि वहाँ पर सिम हमारा लगा हुआ था। अब आप इसको हम सेफ तरीके से फ़ोन को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, फिर इसमें हम WTR को चेंज करेंगे विथ आपके लाइव। तो ये हम WTR निकालने का प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो ये WTR हम निकाल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं WTR बहुत ईजली तरीके से निकल चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। क्लीनिंग प्रोसेस करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम आपको दूसरी भी WTR दिखा देते हैं, जो इसकी WTR है और जो हमने नई WTR मंगवाई है, उस WTR को भी आपको हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इस बोर्ड को क्लीन कर लेना है बहुत ही सेफ तरीके से, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों WTR आपको दिखा दूंगा कि जो ये हमारा बोर्ड का है और जो मैं नया WTR डालने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो हम आपको सारी दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये हमारी WTR है जो कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी जो लेफ्ट साइड में है वो निकली हुई है, जो राइट साइड में है ये हमारी न्यू WTR है जो कि हम इसको यहाँ पर डालने वाले हैं। तो अब फ्रेंड्स, चलिए हम आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको दिखाते हैं। हम यहाँ पे IC को लगा करके आपको देखते हैं कि क्या हमारा सक्सेस होता है कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारा जो, हम कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी है जेन्युइन वीडियो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो चलिए, क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। क्लीनिंग प्रोसेस के बाद हम यहाँ पे उस पर WTR लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम WTR का प्रोसेस कर रहे हैं, WTR इसमें हम लगा रहे हैं, जो कि WTR हमारा लग चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम फ़ोन को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम फ़ोन में लगाएंगे और फ़ोन में लगाने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेक्शन वर्क करता है कि नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट तक आप वीडियो को देखें कि क्या एक्चुअल में सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये वीडियो फेक तो नहीं है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फ़ोन को और इसमें सिम भी लगा रहा हूँ, और सिम लगाने के बाद इसमें फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नो सर्विस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो सिम हमने अप्लाई कर दिया है, अब इस फ़ोन को हम ऑन करेंगे बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद। अब यहाँ पर सारे कनेक्टर्स को आपको लगा लेना है। फ़ोन को हम ऑन करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो
यहाँ पे नेटवर्क की आपको आरएफ केबल भी लगा लेना होता है, उसको आरएफ केबल बोलते हैं फ्रेंड्स। आरएफ केबल को भी आपको अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपका नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है नेटवर्क फ्रिक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अब चलिए, अब यहाँ पे फ़ोन को हम ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको आरएफ केबल को बहुत ही ईजी तरीके से लगा लेना है। तो फ़ोन को हमने ऑन कर लिया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा बूटिंग प्रोसेस अभी करेगा, क्योंकि एक बार उसे क्योंकि फ़ोन ऑन करने के बाद अपनी अपनी सिक्योरिटी होती है, जब तक आप उसे नहीं देंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं होता है। तो फ़ोन कुछ भी नहीं है, अब ये हमारा फ़ोन थोड़ा सा बूट करेगा, क्योंकि बूट करने में, क्योंकि मैम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है विथ लाइव, और आप देख सकते हैं आपके सामने ही हमने WTR को चेंज किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही, अभी जैसे ही फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा और हमारा जॉब डन हो जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं। जॉब डन तो मैंने पहले ही बोल दिया, बट फ्रेंड्स लास्ट तक इसीलिए बोलते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में सही है क्या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और आपको नेटवर्क का साइन दिख रहा होगा फ्रेंड, जियो हमारा आ चुका है बहुत ही ईजिली तरीके से फ्रेंड। हमारा नेटवर्क आ चुका है, जियो 4G आप देख रहे होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।